कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन अपनी यात्राओं को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसी ही चर्चा आज फिर शुरू हुई जब राहुल गांधी हरियाणा के पहलवानों संग दो दो हाथ करने अचानक झज्जर स्थित वीरेंद्र आर्य अखाड़ा पहुंच गए। राहुल गांधी के आगमन पर अखाड़ा में उनका जोरदार स्वागत हुआ। राहुल गांधी ने अखाड़ा के कोच वीरेंद्र आर्य समेत सभी पहलवानों से मुलाकात की। कुछ नहीं पता था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे थे, एकदम से आ दम के। हम तो ये नहीं पता था कब आएंगे, कब कौन है ये। लगभग यहाँ 6:15 बजे पहुँच गए। क्या किया राहुल ने, क्या पूछा आप लोगों से, क्या किया? यहाँ एक्सरसाइज कैसी होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की, एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को, और बड़ी खुशी हुई उनको, तो बहुत जानकारियाँ हैं बहुत खेल के बारे में। जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड कर करके दिखाया, बड़ा बढ़िया लगा। कुश्ती के जोर भी किए, कुश्ती के जोर भी किए, टेक्निक भी सीखी, पॉइंट भी कैसे लिए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो आपने कैसे स्वागत किया? हमने तो स्वागत किया ऐसे ही, वैसे हम सामान्य कर रहे थे यहाँ। वो आगे दूध बादाम ने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें, जो आज के जो प्रकरण पर भी बात, उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया आप लोगों ने, क्या कहा गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी है। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ था पहले। तो राहुल ने क्या था? राहुल ने भाई उनके हाथ में क्या है, हाथ में तो सरकार के में। राहुल गांधी पहलवान बजरंग पुनिया से मिले और उनके साथ कुश्ती में हाथ आजमाया। उन्होंने अखाड़े में पहलवानों से पहलवानी के कुछ दांव पेच सीखे और उनके साथ कसरत की। रेसलिंग का वो देखने के लिए आए। तो कोई खास बात हुई पहलवानों को? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाए थे उन्होंने, कुश्ती की उन्होंने, एक्सरसाइज की बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो, जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। आपको बता दें कि वीरेंद्र आर्य अखाड़ा पहलवान बजरंग पुनिया के गांव छारा में स्थित है और बजरंग पुनिया ने यहीं से पहलवानी सीखी थी।